हमारा शीर्षक है मृत्यु के बाद की गति का विचार। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। दर्शकों, ये निश्चित है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है और 84 लाख योनियां हैं। कर्म के अनुसार उन योनियों में प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ता है। 100 साल की आयु कलयुग में कही गई है, परंतु इतने सारे काम, इतनी सारी जिज्ञासाएं, छोटी सी आयु, और आयु के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जन्म, ये शाश्वत सत्य है। तो आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि मृत्यु के बाद कौन सी गति मिलेगी। प्रायः प्रत्येक शास्त्र हमारा ये विचार करता है, करवाता है। हमारे एक वीडियो में बहुत सारे दर्शकों ने मृत्यु के बारे में विचार पूछे, मृत्यु के बाद की गति क्या होती है। आइए हम ज्योतिष के नेत्र से देखें और विचार करें कि मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है। बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जातक की मृत्यु बिना कष्ट के होगी या कष्ट से? याद रखिए, 12वें भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह की राशि में हो, जैसे आप देख रहे हैं इस कुंडली में वृष राशि है, वृष लग्न की कुंडली है, 12वें भाव का स्वामी हो गया मंगल। अब ये मंगल यदि शुभ अवस्था में हो तो खास तौर से जीव की गति सदगति कही जाएगी। 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो और 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह के नवांश में हो तथा 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो या 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह से संबंध रखता हो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मान लीजिए 12वें घर का स्वामी मंगल मकर में नवे घर बैठा हो और बृहस्पति तीसरे घर में कर्क का है। फर्ज कीजिए तीसरे घर में कर्क का है, कर्क का बृहस्पति शुभ होता है और इसकी दृष्टि यदि मंगल पर पड़ती है तो ऐसे जातक की मृत्यु सुख से होती है, कष्टकारक नहीं होती है। ये तो बात रही मृत्यु के समय कष्ट होगा या नहीं होगा। अब आते हैं मृत्यु के बाद की गति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सोच स्वमित्रे सति सौम्य वर्गे व्याधिपे चोर्ध गतिम ससौम्ये विपर्येधो गतिमेव केचिद ऊर्ध्वा सशीर्षो दय राशि भेदात। जातक को ऊंची गति स्वर्ग आदि प्राप्त होती है यदि 12वें भाव का स्वामी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या अपने मित्र राशि में हो, और सौम्य वर्गों में हो या सौम्य ग्रह के साथ हो। अन्यथा जातक नीचे की गति नरक इत्यादि प्राप्त करता है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि 12वें भाव की राशि शीर्षोदय है तो जातक को ऊंची गति, शीर्षोदय और ऊर्ध्वोदय, इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं, ठीक है, पृष्ठोदय, शीर्षोदय और जो दोनों तरफ से उदय होते हैं, जैसे मीन राशि दोनों तरफ से उदय होती है। चलिए, यदि अच्छी स्थिति है तो कहाँ निवास होगा जीव का? मृत्यु के पश्चात आत्मा का निवास इन ग्रहों से निर्धारित किया जाता है। 12वें भाव के स्वामी से संबंधित ग्रह, 12वें भाव में स्थित ग्रह और 12वें नवांश में स्थित ग्रह से जीव के
उच्चवास नीचवास का विचार किया जाता है। जैसे बारहवें भाव के स्वामी से संबंधित ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में यदि सूर्य और चंद्रमा की युति हो मंगल के साथ, क्योंकि यहाँ द्वादश मंगल है, तो कैलाश में वास होता है। मंगल यदि है तो पृथ्वी पर वास होता है। बुध के साथ स्थित यदि है तो वैकुंठ में वास होता है। यदि बृहस्पति के साथ स्थिति है तो ब्रह्मलोक में वास होता है। शुक्र के साथ मंगल का संबंध यदि है, मान लो यहाँ द्वादश से, तो स्वर्ग का वास। यदि शनि का वर्चस्व है द्वादशेश के साथ तो यमपुरी का वास। यदि राहु की युति है द्वादशेश के साथ, स्थिति बनती है, दृष्टि बनती है, तो अन्य द्वीपों में वास होता है। तथा यदि केतु के साथ युति बनती है, दृष्टि बनती है, तो फिर नरक का वास, ऐसा बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास कहा गया है और वैकुंठ को भगवान विष्णु का और ब्रह्मलोक को भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। अब पूर्व और आगामी जन्म के निवास के बारे में हम कैसे जाने, ठीक है, इस वीडियो के बारे में हम अगले संदर्भ को लेकर चलेंगे। फिलहाल इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। पुनः मिलेंगे हम, तब तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।